सब्सक्राइब कीजिए मैजिक हेल्थ टिप्स चैनल को हेल्थ वीडियोस की सबसे सही और सच्ची जानकारी के लिए। दोस्तों, बढ़ता वजन हर किसी के लिए मुसीबत बन गया है। जिसे देखो हर कोई अपने मोटापे से परेशान है। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना जिम जाए अपना वजन कम करना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग जिम जाना तो चाहते हैं लेकिन समय की कमी के चलते नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं और आपको भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से अपने मोटापे को कम कर सकते हैं और अपना वजन कंट्रोल में कर सकते हैं, वो भी बिना जिम जाए। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि गर्म पानी सर्दी जुकाम और पेट से जुड़ी सारी समस्याओं में रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप गर्म पानी का प्रयोग करके अपने शरीर के वजन को कम कर सकते हैं। दोस्तों, यूं तो आप में से बहुत सारे लोग गर्म पानी का सेवन करते होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा उसकी मदद से आप अपने शरीर का वजन काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं, सिर्फ गर्म पानी पीने के तरीके को बदल कर। दोस्तों, सुबह सुबह गर्म पानी पीने के फायदे ही फायदे होते हैं। यह गर्म पानी हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। यह हमारे सिस्टम को साफ करता है। यदि हम रोज सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी पीते हैं तो इससे हमें मल त्यागने में आसानी होती है और हमारी कब्ज की समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब आपके शरीर का पाचन तंत्र सही से काम करेगा तो आपके शरीर आसानी से खाद्य पदार्थों को अवशोषित कर लेगा और आपके शरीर में फैट कम जमा होगा। इससे शरीर में फुर्ती कायम रहती है, जिस कारण व्यक्ति ज़्यादा काम कर पाता है और उसका मोटापा कम होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, यह तो थे कुछ फायदे जो कि गर्म पानी पीने से हमें होते हैं। इससे हमारा शरीर डिटॉक्स होता है और हमारा शरीर का वजन संतुलित रहता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको गर्म पानी कैसे पीना चाहिए जिससे कि आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा। दोस्तों, आपको हर सुबह खाली पेट गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। यहाँ पर गर्म पानी का मतलब है गुनगुना पानी, जिसको कि आप आसानी से पी सकें। दोस्तों, इसके साथ ही जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके पहले थोड़ा सा गर्म पानी पिएं। दोस्तों, खाना खाने के पहले गर्म पानी पीने से आपकी भूख दबेगी और आप कम मात्रा में कैलोरी का इंटेक करेंगे। साथ ही खाने के बाद भी आपको गुनगुने पानी का ही सेवन करना चाहिए। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ का पालन भी करते होंगे, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि रात में जो हमारी पाचन क्रिया है वो दिन के मुकाबले धीमी गति से काम करती है। ऐसे में जब हम रात का भोजन खाकर सोते हैं तो वह आसानी से हमारे शरीर में पचता नहीं है। इसीलिए आपको रात में खाना खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए और कम से कम उसके एक घंटे बाद ही सोना चाहिए। दोस्तों, इससे आपकी पाचन क्रिया काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगी और आपका शरीर आसानी से खाने को पचा लेगा। दोस्तों, इसके अलावा जब भी आपको भूख लगे तो खाने से पहले आप थोड़ा सा गर्म पानी ज़रूर पिए। इससे आपका जो भूख है वो काफ़ी कम हो जाएगा और आप कम खाएंगे, जिससे कि आपका जो मोटापा है वह काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा और आप आसानी से वेट लॉस कर लेंगे। दोस्तों, लगातार 15 दिन तक इन नियमों का पालन करके देखें तो आप देखेंगे कि आपका वजन तेजी से कम होने लगा है और आप वेट लॉस आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, गर्म पानी पीने का यह नियम आपके मोटापे की समस्या को तेजी से कम करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना जिम गए। तो दोस्तों, वीडियो में बताए गए इन आसान से नियमों का पालन करें और आसानी से अपने मोटापे को बाय बाय कहें। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।